थोड़ी सी चटक बात कह दी तो सास तो दो चार दिन नहीं बोलो जाइए। अगर वैसे ही तुम समझो अपनी माँ की तरह उस सास को समझो कि ये भी मैया, अगर कह दिया तो कह दिया, हम मायके होते तो क्या मेरी माँ कहती नहीं, तो क्या हम सुनते नहीं, माता है मार भी देती। अगर यही सोच के रहो तो कभी सास और ससुर घर में ये लड़ाई झंझट नहीं होगा। आज मैया सुने ना समझाती है बिटिया, और सुबह ती रहना जाके ससुराल में, मानिए दुलारी मेरा कहना, सुबह ती रहना जाके ससुराल में। लेकिन ध्यान रखना हमारी हमसे बड़ी बहनाई है छोटी, मैं भी यही प्रार्थना करती हूँ कि ससुराल में जाके कभी ऐसे बोल मत बोलना जो आपको मायके आना पड़े। मायके में आकर के बहनाओं, माता और पिता जब तक रहेंगे तब तक गुजर हो जाती, थोड़ा समय आगे बढ़ा तो भैया भाभी भी तुम्हारी जिंदगी काट देंगे, लेकिन भतीजों के साथ हमारी तुम्हारी जिंदगी नहीं कटेगी। इससे अच्छा अपना घर है, आदि खाओ चैन की खाना, मेहनत करके खा लेना, लेकिन मायके में रहना अच्छा नहीं होता है, नहीं तो फिर भतीजे को गोबर ही सानी करने पड़े। हाँ बोली है मैया बेटी, सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, सब कुछ सहना पड़ेगा, अच्छाई बुराई भलाई सब कुछ पड़ेगा बेटी सहना, सुहागी रहना ताकि ससुराल में। और बेटी अभी आप सखियों के साथ खेलती रही हो, लेकिन अभी ये सखियां तुम्हारे साथ नहीं जाएंगी लाड़ो, और छोड़ी के चली है बेटी बाबुल का अनुना, लेकिन ध्यान रखना बिटिया साथ की सहेली तेरे जाएगी सजना, और अपने घर की बहन मां रखना बेटी साथ मां, अपने घर की कभी आन को ना खुलने देना बेटी, सभी का सम्मान करना, स्वभाव रखना, और बोलना मधुर जैसे पीना, सुभाती रहना ताके ससुराल में। समान सास को समझो, किसी ने कहा कि इतना अधिकार मिल जाता जो अपनी माँ को अपने साथ रख लेती, तो किसी ने यह कहा है कि
कि अगर माँ को साथ रखती हो वैसे ही माँ को अगर इस सास को समझो तो ये वृद्धा आश्रम नहीं खुले। माता के समान बेटी सासू को समझ, पिता के समान बेटी ससुर जी को मानना, और कभी बेटी अगर तुझसे गलती हो जाएगी तो तेरी सास कड़वे बोल भी बोल सकती है, लेकिन तू उसे बुरा मत मानना। कभी कभी सास तेरी कड़वे बोल बोलेगी, बेटी सीता को समझा समझा के भेज रही है। कंठ से कंठ तेरा कोयल के समान हो, श्रोताओं। मैया सीता को सुनना बड़े संस्कार देती है माताओं।